हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आया हूं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने और आपको मैं बताने वाला हूं एडवांस टैक्स के बारे में। दोस्तों, हमारे मन में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रहती है और बहुत सारे लोग तो इसके बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है कि मैं आपको बता दूँ कुछ एडवांस टैक्स के बारे में। बेसिकली मैं आपको अगर एक रफ आइडिया दूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि जब भी आप कुछ इनकम अपनी अर्न करते हो तो फिर आपको अपने ड्यू डेट्स पे ITR फाइल करना होता है, जिसको हम इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं। तो जब हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हमें लगता है कि जब मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूंगा तभी मुझे टैक्स भी पे करना पड़ता है। बट ये हमारा मिसकॉन्सेप्ट है, ये हमें नहीं पता कि हमें अपना एडवांस टैक्स पे करना होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है, जिसका मतलब ये है कि जब आप पैसे कमाते हो आपको तुरंत ही अपना टैक्स पे करना पड़ता है। इसके बारे में बहुत डिटेल से समझेंगे हम लोग। मैं हूँ CA देवेंद्र रहेजा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो एंड प्लीज़ टू मोटिवेट मी इस चैनल को लाइक भी ज़रूर करिएगा। चलिए आइए डिस्कस करते हैं और हम बात करने वाले हैं एडवांस टैक्स के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कि एडवांस टैक्स है क्या। एडवांस टैक्स इज द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स दैट शुड बी पेड इन एडवांस इंस्टेड ऑफ लमसम पेमेंट एट द ईयर एंड इन इंस्टॉलमेंट्स। मीन्स टू से कि जब आपका साल खत्म हो जाता है, ईयर एंड हो जाता है, आप अपना ITR फाइल करते हो, उस समय जब आप बिल्कुल इकट्ठा पैसा टैक्स के रूप में पे करते हो, उससे बेटर है कि आप अपना पहले ही पे करिए, बिकॉज इट इज़ अ रूल, एक ये मैंडेटरी रूल है जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। एडवांस टैक्स इज ऑल्सो नोन एज पे एज यू अर्न। टैक्स इज सपोज टू बी पेड इन द सेम ईयर इन विच इनकम इज रिसीव। तो जिस साल आपको पैसा रिसीव हुआ है आपको उसी साल टैक्स पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन आता है कि किसको ये एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा कि सबको ये नहीं पे करना है, कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस बहुत क्लियरली है कि अगर आपकी पूरे साल भर में टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा रहती है तब उस केस में आपको इनकम टैक्स जो पेमेंट होती है वो आपको एडवांस में करनी पड़ेगी। अब ये एडवांस पेमेंट आपको कब करनी पड़ेगी, बेसिकली इसकी ड्यू डेट्स बनाई जाती हैं हर क्वार्टर एंड में। यानी कि जैसे कि अगर हम बात करें अप्रैल, मई, जून, तो जून की 15th इसकी लास्ट ड्यू डेट रहती है फर्स्ट क्वार्टर की। सेम इसी तरीके से जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने की जो ड्यू डेट होती है वो सितंबर होती है। उसी तरीके से 15 सितंबर आपको ड्यू डेट रखी गई है सेकंड क्वार्टर की। सेम इसी तरीके से थर्ड क्वार्टर की मैं अगर बात करूँगा तो 15 दिसंबर ड्यू डेट रहती है, और फाइनल यानी कि फोर्थ क्वार्टर की अगर मैं बात करूँगा तो 15 मार्च ड्यू डेट रहती है। तो मैं आपको एक बार बताना भी चाहूँगा कि अभी जो मार्च चल रहा है इसकी 15 तारीख को लास्ट ड्यू डेट रहेगी आपका। अगर कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है और वो टैक्स लायबिलिटी अगर 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स ही पे करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तब उस केस में आपके ऊपर इंटरेस्ट और पेनाल्टी जैसे भी क्लॉजेस लग सकते हैं। तो अगर आप उन सब चीजों से बचना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अपना एडवांस टैक्स पे कर देना चाहिए। अब आप ये कहोगे कि सर मैं तो ज्यादा कमाता ही नहीं हूं, 5 लाख रुपए से तो हमारी इनकम कम ही है और 5 लाख रुपए तक तो सरकार ने एग्जेम्पशन ही दे रखे हैं या बहुत सारे रिबेट्स ही दे रखे हैं। तो आपने बिल्कुल सही सुना है, 5 लाख रुपए तक एक इंडिविजुअल को रिबेट मिल रखा है कि 5 लाख रुपए तक तो उसको कोई टैक्स नहीं पे करना। पर याद रखिएगा, अगर आपकी इनकम 5,01,000 रुपए भी हो जाती है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी 12,500 से बढ़ जाती है, यानी कि फिर आपको रिबेट नहीं मिलता है। तब उस केस में आपके ऊपर एडवांस टैक्स के क्लॉज लग जाते हैं। दूसरी तरफ अगर आप कोई फर्म या कंपनी या कोई लोकल अथॉरिटी हो जिनके ऊपर 30% का स्लैब रेट लगता है, 30% का टैक्स रेट लगता है, उनके लिए ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि उनको कोई रिबेट मिल रहा है। इन दैट केस अगर उनकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा है तो मेक श्योर कि आप अपनी जो भी एडवांस टैक्स बनता है वो 15 मार्च तक पे कर दें। कई बार क्या होता है कि हम अपने घर की कुछ प्रॉपर्टी सेल आउट करते हैं तो सेल आउट करने के टाइम पे भी हमें ये चीज़ें
Chizoye 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 ch